सेहतमंद अफराद भी कोरोना के फैलाव का सबब। कोविड-19 के 40% मरीजों में अलामत जाहिर नहीं होती। ट्रंप ने तिजारती लेन देन की चीनी एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगा दी। चीनी एप्लीकेशंस कौमी सलामती के लिए नुकसानदेह हैं। कश्मीरियों को निशाना बनाने वाले भारतीय फौजी। भारतीय सहाफी आदित्य राजकोल ने हमले की फुटेज ट्वीट कर दी। इंडियन आर्मी ने कश्मीर में बिगाड़ पैदा किया, पाकिस्तान का दावा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट में। माय नेम इज शाहज़ेब फारूक, फातिमा मेरे साथ मौजूद हैं। और नाज़रीन, आज की पहली खबर प्रोग्राम में शामिल करते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। आपको बताएं कि कोरोना वायरस के बगैर अलामत वाले मरीजों के बारे में नए इंकशाफात हो चुके हैं। जनूबी कोरिया के साइंसदानों ने कोरोना वायरस के बारे में इस ख्याल को दुरुस्त साबित कर दिया है, जिसके बारे में मुतअद्दिद तिब्बी माहरीन सिर्फ ख्याल ही जाहिर करते थे। और हम सबको पता है कि कोरोना की वजह से हमारा जब से 2020 स्पेशली शुरू हुआ है, तब से कोरोना इज एवरीवेयर, दैट इज ऑल वी टॉक अबाउट, दैट इज ऑल वी थिंक अबाउट। और हमने पहले भी न्यूज़ में सुना है, बहुत सारी रिसर्च में भी पहले भी ये बात सामने आई है कि कुछ पेशेंट्स कोरोना के जो होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कि उनको कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बताया नहीं जा सकता है कि उनको कोरोना है या नहीं है। सिर्फ इसी वजह से वो लोग ज़्यादा खतरा रखते हैं, ज़्यादा एक थ्रेट प्रोड्यूस करते हैं इन द सोसाइटी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्प्रेड होता है कोरोना। एब्सोल्युटली। और नाज़रीन, आपको बताएं कि कुछ तहकीकात हुई, माहरीन ने कुछ रिसर्च की, उसके बाद ही उनको ये पता चला। और ये रिसर्च के बारे में आपको बता देते हैं कि माहरीन का कहना है कि नतीजे से ठोस इंदिया मिलता है कि बगैर अलामत वाले मरीज गैर दानिस्ता तौर पर वायरस को फैला देते हैं। इस तहकीक के दौरान महक़्क़ीन ने 6 से 26 मार्च के दौरान बगैर अलामत वाले 193 मरीजों और 110 अलामत वाले मरीजों के लिए लिए गए नमूनों का तजिया किया। इब्तदाई तौर पर 89 में से 30% कभी बीमार नहीं हुए, जबकि 21% में अलामत नजर आई। तहकीक में शामिल बेशतर अफराद नौजवान थे और औसत उम्र उनकी 25 साल थी। यानी कि एसिम्प्टोमेटिक हजरात, जिनकी कोई अलामत नहीं जाहिर होती, हम किसी भी तरीके से उनकी जांच पड़ताल नहीं कर सकते, ये पता नहीं लगा सकते कि इनको कोरोना है या नहीं, और वो आसानी से कोरोना वायरस जो है वो दूसरे इंसान के अंदर मुंतकिल कर सकते हैं। और शाहज़ेब, आप जानते हैं कि पहली दफ़ा जब ऑब्वियसली कोरोना जब स्टार्ट हुआ था और स्पेशली हमें पता चलना शुरू हुआ था इसके बारे में, तब तो हम लोग डरे हुए थे, लेकिन उसके बाद हमें पता चलना शुरू हुआ कि ये ऐसी बीमारी है जो कि एक दफ़ा में ख़त्म नहीं हो जाती है। यानी कि अगर उसका एक जो फेज़ है, जो पहला फेज़ है, पहला फैलाव है, वो ख़त्म भी हो जाता है तो फिर भी खदशा रहता है कि दोबारा वो कहीं से भी रेप्ट कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि इवन अगर हमें केसेस कम होते हुए नजर आ रहे हो, हमें लग रहा हो कि हालात ठीक हो रहे हैं, लेकिन हम जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आ जाती है, तब तक बहुत जरूरी है कि हम लोग एहतियाती तदाबीर को लेते रहें। इस रिसर्च की वजह से हमें ऑब्वियसली ये भी अब सामने आ गया है कि हर किसी को सिम्टम्स होना जरूरी नहीं है। तो इस बात का इंतजार करना कि किसी को खांसी आ रही है, उसे नजला हो रहा है या बुखार हो रहा है, जरूरी नहीं है कि ये सिम्टम्स किसी भी पेशेंट में पेश आए, जिसकी वजह से जरूरी है कि हर कोई एहतियात करे। एब्सोल्युटली। नाज़रीन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि अगर हम थोड़ी सी रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी हदायत हैं, लॉकडाउन भी खुल चुका है, और ये तमाम सूरत हाल को देखते हुए हम अगर इंडिविजुअली रिलैक्स हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि वायरस अगर किसी इंसान के अंदर मौजूद है, अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है, तो फिर डेफिनेटली वो ट्रांसफ़र करेगा, और ट्रांसफ़र वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ ट्रांसफ़र करता है, फिर इंसान को पता भी नहीं चलता। सो हमें अभी भी प्रिकॉशंस को, जो प्रिकॉशन मेजर्स हैं, उनको अपने साथ लेकर चलना है, और वो तमाम एहतियाती तदाबीर को अपनाना है जिनको WHO ने या फिर हमारे गवर्नमेंट इदारों ने पहले हमें करने की तलकीन की थी। सो नाज़रीन, एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करते हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि टिकटॉक एक ऐसी ऐप है जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त मशहूर हो चुकी है। टिकटॉक ऐप से बहुत सारे लोग पैसा भी कमा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो इंडोर्समेंट्स के जरिए पैसा कमाते हैं, और उन्होंने अपने इस टिकटॉक ऐप को अपने रोज़गार का जो है वो जरिया बनाया हुआ है। अगर ये ऐप बंद हो जाती है, तो बंद होने के बाद उनको बहुत सारे नुकसान होंगे, और टिकटॉक के बाद जो है वो ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट वेबसाइट है, तो लोग एंटरटेन होना भी जो है वो उनकी एक एंटरटेनमेंट जो है वो सोर्स भी ख़त्म हो जाएगा। और शाहज़ेब, आपको पता है कि टिकटॉक के फैंस पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे मौजूद हैं, बहुत सारे यूज़र्स भी हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने टिकटॉक को अपना एक तरह से करियर बना लिया है। ना सिर्फ कि वो इस्तेमाल करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, बल्कि उनकी रोज़गार बन गई है। और अमेरिका में भी यही कुछ सिचुएशन है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीनएजर्स टिकटॉक से बहुत फेमस हुए हैं और उन्होंने बहुत पैसा भी कमाना शुरू किया। लेकिन हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि ट्रंप हैज़ ऑलवेज हैड एन
इशू विद चाइना. चाइना इज अ राइजिंग सुपर पावर एज वेल, जिसकी वजह से अमेरिका और चाइना के बीच में कोई ना कोई हमेशा प्रॉब्लम्स होते रहते हैं. इस बार ट्रंप का कहना यह है कि चाइनीज अपनी ये जो एप्लीकेशन है, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म्स लाइक वी चैट हो, इनका इस्तेमाल करते हुए अमेरिकन का जो प्राइवेट डेटा है, जो पर्सनल डेटा है जो वो उस ऐप के जरिए एक्सेस कर सकते हैं उनके मोबाइल फोन्स में, उनका इस्तेमाल करते हुए जो है वो अमेरिका को एक थ्रेट पोजेस करें, जिसकी वजह से उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है. जी हाँ नाज़रीन, मज़ीद इस हवाले से आपको बता देते हैं कि गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए चीनी एप्लीकेशन टिकटॉक और वी चैट की मालिक कंपनियों से लेन देन पर पाबंदी आयद कर दी है, जो 45 रोज के अंदर शुरू भी कर दी जाएगी. ट्रंप इंतजामिया ने इन चीनी एप्लीकेशन को खतरा करार देते हुए कहा है कि अमरीकी इंतजामिया अमरीका के डिजिटल नेटवर्क और नाकाबिले भरोसा चीनी एप्लीकेशन से पाक कर रही है, और इस मामले में टिकटॉक वी चैट एक बड़ा खतरा है. सुनाज़िन, अगर बात करें टिकटॉक के ऊपर, तो ट्रंप क्योंकि हमेशा से खबरों की जीनत बना रहना चाहते हैं, इस वजह से इस तरह की खबरें आती रहती हैं. वो ट्वीट पर्सनली तो करते रहते हैं और साथ ही साथ में इस तरह के इकदाम भी करते रहते हैं कि चीनी ऐप, पिछली कुछ ही अरसे में हमने सुना था कि वो कह रहे टिकटॉक ऐप को बंद ही कर दिया जाए, और उसके मुकाबले में खुद से अमेरिका की तरफ से भी कुछ ऐसी एप्लीकेशन भी दरियाफ्त करने का हमने सुना था. तो ये फातिमा, व्हाट वुड यू से कि ये जो एक हमेशा से ट्रंप कोई ना कोई इस तरह की चीज़ करना चाहते हैं कि दूसरा मुल्क जो है वो नीचा दिखे या फिर वो सुपर पावर में ना आ सके, क्या रीज़न हो सकती है? शाज़िब, स्पेशली सबसे पहली बात तो ये है कि मैं चाइना एक्चुअली विजिट करने गई हुई हूँ, एंड व्हेन आई वेंट टू चाइना वहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ कि ना वहाँ पे फेसबुक था, ना वहाँ पे इंस्टाग्राम था, ना वहाँ पे जो हमारी नॉर्मल रूटीन की एप्लीकेशन है जो कि हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप जिस तरह से हो गया, कोई भी कम्युनिकेशन की जो हम बाहर इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली दूसरे मुल्कों में करते हैं, वो चाइना में मौजूद नहीं थी ऑलरेडी. जिसका मतलब है कि चाइना ने अपने यूजर्स को ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए हुए थे कि वो इस्तेमाल करें, और अमेरिका की तरफ से भी अब हम कुछ सिमिलर देख रहे हैं कि वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो एप्लीकेशंस है वो उन्हीं की तरफ से बनाई गई हों. इंस्टाग्राम, फेसबुक, हम सब जानते हैं कि अमेरिकन ओन्ड कंपनीज हैं, और वो चाहते हैं कि उन्हीं का इस्तेमाल उनके सिटीजन्स करें, और उनका जो डेटा है जो नेशनल सिक्योरिटी को एक थ्रेट उनको लग रहा है कि चाइना बनता जा रहा है एज इट इज राइजिंग एज अ सुपर पावर, वो ऑब्वियसली उस थ्रेट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं. जी हाँ नाज़रीन, मज़ीद इस हवाले से आपको बताएं कि अमरीकी सदर ने चीनी एप्लीकेशन पर पाबंदियाँ ऐसे वक्त में आयद की हैं जब दोनों ममालिक के दरमियान कोरोना वायरस और हांगकांग में मुतनाज़े कानून को लेकर ताल्लुकात कशीदा हैं. सो इस मामले में क्योंकि हमेशा से पॉलिटिक्स करते आए हैं ट्रंप, और उनको पता है कि किस वक्त में कौन सा हथियार फेंकना है, सो वो ये सब कर रहे हैं. नाज़रीन, एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे. यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो तनाज़ात हमेशा से होते रहते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, हमेशा से ये डिस्प्यूट हमारे दरमियान रहे हैं, और इससे पब्लिक भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है. हमारी फौजें तो एक दूसरे के साथ, पाकिस्तान की कह लें या फिर इंडिया की कह लें, तो वो तमाम जो चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं. और अब एक और इल्ज़ाम जो है वो इंडिया की तरफ से पाकिस्तानियों के ऊपर लगाया गया है, पाकिस्तानी मिलिट्री के ऊपर लगाया गया है कि पाकिस्तानी मिलिट्री ने सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है, इंडियंस में जम्मू कश्मीर में मौजूद जो सिविलियंस हैं वहाँ पर अटैक किया है. सो ये जो एक इल्ज़ाम है, हम ऑब्वियसली इसके बारे में बात करें तो हमेशा से ही फातिमा ऐसा होता आया है कि कश्मीर के हवाले से इंडियंस कोई ना कोई ऐसा बहाना या कोई ना कोई ऐसी बात कह देते हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, जो कि खबरों की जीनत बने रहते हैं कि दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट दैट इज नॉट जस्ट लाइक, ऐसे नहीं हुआ कि ये कल शुरू हुआ ये कॉन्फ्लिक्ट, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, और हम लोग देखते आ रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो एक्चुअली उनके रहने वाले हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, उनके बीच में आपस में कोई मसला नहीं है, बल्कि वी हैव अ लॉट इन कॉमन, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो लोग बार बार आपस में लड़ते रहते हैं. जो जम्मू कश्मीर का इशू है स्पेशली तब हाईलाइट हुआ जब लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर एक सीज जो है वो शुरू की गई, जिसके बाद से जो है छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट हम देखते आ रहे हैं कि बॉर्डर लाइन पर होते रहते हैं, जहाँ पर फायरिंग की जाती है दोनों फोर्सेज की तरफ से. और इंडिया की तरफ से हमने देखा, इंडिया में स्पेशली हमने देखा कि एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, एक तरह से वहाँ पर फेक न्यूज़ जो है फैलाई जा रही है पब्लिक के अंदर, लोगों में हिस्टेरिया क्रिएट किया जा रहा है ताकि उनको मेंटली मैनिपुलेट किया जा रहा है ये बिलीव करने में कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो है ये चीज शुरू की गई है, जबकि सबसे पहला जो कदम था उन लोगों को ऑप्रेस करने का वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया था. एग्जैक्टली, और इंडियंस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोग उनकी इकॉनमी को बेहतर करना चाहते हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, वहां पर चीजों को बेहतर करने के लिए हमने जो है वो सेज बनाई हुई है, लेकिन दर हकीकत इसके पीछे हकीकत क्या है वो आप तमाम लोग जानते हैं. और नाज़रीन, इसके हवाले से मजीद अगर बात करें जम्मू कश्मीर के हवाले से, तो पाकिस्तान में भी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा है कि जो जम्मू कश्मीर है उसका जो नक्शा है वो अब ऐड कर दिया गया है पाकिस्तानी नक्शे के अंदर, लेकिन सोशल मीडिया पर
आपको पता है कि वैसे तो बहुत सारी फेक न्यूज़ भी होती हैं, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर नज़र दौड़ाएं, ट्वीट इज़ अ फॉर्मल प्लेटफॉर्म कि वहाँ पर खबरें एक दूसरे तक पहुँचती हैं, तो वहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं कि ये नक्शा पहले से ही सोशल स्टडीज़ की बुक में जो नक्शा था, जो बच्चे पढ़ते आए, हमने मैटर के अंदर वो पढ़ा है, उस नक्शे के अंदर पहले ही जम्मू कश्मीर मौजूद था। तो ये सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से आवाम को कि वो ये समझे कि हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। ऑब्वियसली शाहज़ेब, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है कि हम लोगों ने जो जम्मू कश्मीर है पाकिस्तान का हिस्सा बना लिया। हम सब जानते हैं कि एट द मोमेंट इट्स इन डिस्प्यूट और अभी तक वो रिजॉल्व नहीं किया जा सका है। वो जब भी रिजॉल्व होगा तभी हमें पता चलेगा कि कौन सी साइड है या कंट्री इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं या किस भी तरफ से, बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान तो दोनों चाहते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर जो है हमारे पास आ जाए, स्पेशली बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज दे कैन प्रोवाइड टू द कंट्रीज। लेकिन ये जो मैप जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्टोरी के अंदर डिस्कस कर रहे हैं जिस मैप को, मेरा ख्याल है जब हम अपनी किताबों में देखा करते थे पहले, तो उस पर लिखा होता था कि ये डिस्प्यूट वाली टेरिटरी है, यानी कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इट्स नीदर अ पार्ट ऑफ इंडिया नीदर अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया गया होगा अगर तो वो लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अब वो जम्मू कश्मीर जो है उनकी ऑब्वियसली हमारी टेरिटरी का पार्ट होगा। और अगर ये हमारे नक्शे में इस तरह से शामिल किया गया है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। नाज़रीन, एक आपको बताते चलें कि ये जो प्रोग्राम है इसको आप यूट्यूब चैनल हमारा जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि तमाम के तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें और आप लोग हमारा प्रोग्राम देखते रहें। मुझे और फातिमा को प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट से इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।